एक तो खान साहब को आप लोटा ना कहें क्योंकि वो बहुत अजीम लीडर है, बिल्कुल ठीक है, और अगर मेरी गलती हो तो मेरी रहनुमाई फरमाएं। 1993 में इमरान खान साहब किसके साथ था? नवाज शरीफ के साथ। 1999 में इमरान खान किसके साथ था? परवेज मुशर्रफ के साथ। 2000 में इमरान खान किसके साथ था? परवेज मुशर्रफ के साथ। 2001 में इमरान खान किसके साथ था? तालिबान के साथ। 2002 की असेंबली में वजीर आजम का वोट इमरान खान ने किसको दिया था? मौलाना फजल रहमान को। 2006 में इमरान खान किसके साथ था? इफ्तिखार हुसैन चौधरी के साथ। 2008 में इमरान खान किसके साथ था? काजी हुसैन अहमद के साथ। आपको याद है फातिमा वाली तस्वीर। 2013 में इमरान खान के केपीके में किसके साथ था? जमात इस्लामी के साथ, मिलकर हुकूमत बनाई थी। ये मैं आपको उनकी 26 साल स्ट्रगल बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाए। 2014 में इमरान खान किसके साथ था? तारुल कादरी के साथ। 2015 में बलदियाती इंतखाबात में इमरान खान किसके साथ था? कराची में एमक्यूएम, लाहौर में नून लीग के साथ, मर्दान में जेयूआई के साथ, बुनेर में एएनपी के साथ। ये स्ट्रगल बता रहा हूं आपको उनकी 26 साल। 2016 के सेनेट इलेक्शन में इमरान खान किसके साथ था? जमात इस्लामी और नून लीग के साथ। 2018 के सेनेट के हवाले से नून में इमरान खान किसके साथ था? पीपल्स पार्टी के साथ, जब वो चेयरमैन इलेक्ट हुआ था, अगर आपको याद हो। और अब आपको मैं बताता हूं कि ये रिकॉल मैंने जानबूझ के किया है कि आपको पता चले कि खान साहब जो हैं वो 26 साल उनकी जो जद्दोजहद है सियासी वो ठीक है। तो इस पे भी आपको प्रेज करना चाहिए खान साहब को कि खान साहब को इस चीज का इल्म है कि कोई भी सियासत में मुस्तकिल दोस्त या मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। हाँ, मुझे पता चला ये कि इमरान खान साहब जो है मेरे इन हवालों के की रोशनी में किसी के साथ भी नहीं है। और अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ये भी कहूंगा कि वो तो अपने साथ भी नहीं है।